Hey guys, what's up? This is Ajay from Autocops. I'm back again with another video. And guys, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इस मॉडिफाइड जैज के ऊपर रहने वाली है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनसेन होंडा जैज दैट आई हैव पर्सनली सीन. एंड इस गाड़ी के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी. ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन तो शायद मैंने आज तक खुद किसी जैज में नहीं देखी. एंड ये गाड़ी के अंदर आपको कौन कौन से मॉड देखने को मिलेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबी रहने वाली है, बिकॉज इस गाड़ी की मॉड लिस्ट भी बहुत लंबी है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट. ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट लुक से. इस गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ ऐसा रहने वाला है. एंड इस गाड़ी के अंदर म्यूगन की बॉडी किट लगी हुई है. व्हाट इज म्यूगन? म्यूगन इज बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा, ब्राबिस इज वन ऑफ द ब्रांड्स हु टेक कार्स ऑफ मर्सिडीज एंड देन लाइक मॉड देम एंड उसको देन दे फर्दर सेल इट ऑफ एट अ गुड प्राइस. सेम म्यूगन डज फॉर होंडा कार्स एंड दे मेक कस्टम बॉडी किट्स एंड ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस मॉड्स भी करते हैं. सो कमिंग इन द फ्रंट अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस गाड़ी के अंदर आपको कस्टम बम्पर देखने को मिल जाएगा विद अ कस्टम ग्रिल. एंड इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की बात करूँ अगर मैं, और फॉग लैम्प्स की, लाइक अगर मैं इस लाइटिंग सेटअप की बात करूँ ओवरऑल इस गाड़ी के, मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाना चाहूंगा. दिस इज हाउ द लाइटिंग सेटअप ऑफ दिस पर्टिकुलर कार लुक्स लाइक. एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट इन द नाइट. इफ द ओनर ऑफ द कार, दिस पर्टिकुलर कार, उनके पास ऐसी कोई भी इमेज या वीडियो होगी जो एक नाइट की विजिबिलिटी इन लाइट्स की दिखा पाएगी, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उस प्रॉपर एक क्लिप को या फिर एक वीडियो को अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँ. ओके, तो गाइज अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूँ, फॉर द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड लाइक टू नो एंड हु आर रियली फॉन्ड ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ द कार, जिनको बहुत शौक है अपनी गाड़ी की लाइट्स अच्छी होने का, सो दिस कार इज फिटेड विद द D2H प्रोजेक्टर विच हैज एन HID इन इट. एंड जो इसका लो बीम का प्रोजेक्टर है, इट हैज एन LED इन इट. आई विल नॉट, आई डोंट नो द पर्टिकुलर नेम ऑफ द ब्रांड, बट डेफिनेटली somehow I asked the owner again because इस गाड़ी के अंदर इतने मॉड्स हो रखे हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू पर्सनली रिमेंबर. एंड नीचे अगर की बात करूँ, उसके अंदर आपको DRL देखने को मिल जाएगी. DRL इसके अंदर दो तरीके की है. एक ये, दीज आर कलर चेंजिंग DRL. मैं आपको एक बार इस गाड़ी का स्टार्ट करके लाइक द कलर हाउ इट चेंजेस मैं डेफिनेटली उसकी क्लिप जरूर डालूंगा. यही बात इन दोनों लाइट्स की, आई डोंट नो लाइक दीज आर like some kind of a mini projector, so you can say like I'm personally seeing this kind of lighting setup for the very first time. कि मैंने दो ऐसे छोटे से tiny bit of projectors देखे हैं किसी भी गाड़ी में लगे हुए. But again I'll ask the owner कि ये how is the output of these particular like, और ये सिर्फ show के लिए हैं. But moving on टू द साइड ऑफ द कार, एंड अगेन आपको इस साइड ऑफ द कार में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें देखने को मिलेंगी, बिकॉज पूरी लुक है जो गाड़ी की वो साइड से ही इंस्पायर्ड है. एंड अगर आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखोगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट लुक जस्ट लाइक एनी अदर जैज रोलिंग आउट इन योर स्ट्रीट्स. अब रही बात इसके साइड प्रोफाइल की, अगर मैं इसकी सबसे पहले व्हील्स की बात करूंगा, बिकॉज दैट इज द वेरी आई कैची थिंग फॉर मी पर्सनली. मैंने ऐसे व्हील्स आज तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखे खुद. एंड जस्ट टू नेम कि इनकी प्रोफाइल क्या रहने वाली है, एंड दीज आर ऑन योकोहामा टायर्स. और इनकी प्रोफाइल रहने वाली है 20550R16. सो दीज आर 16 inches alloys. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द ब्रांड ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील्स, द नेम ऑफ द ब्रांड इज बॉर्बेट. एंड ये जर्मनी का ब्रांड है गाइज, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव इफ यू वुड लाइक. एंड दिस इज एन ओरिजिनल अलॉय, दिस इज नॉट अ कॉपी और दिस नॉट अ रेप्लिका. फॉर ऑल द गाइज हु आर इंटरेस्टेड टू नो, द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये चीज बता दी. एंड रही बात अब इसके साइड की प्रोफाइल की तरफ मैं बढ़ूँ, तो इस गाड़ी के अंदर कस्टम ग्राफिक्स हो रखे हैं. दिस पर्टिकुलर कार इज पार्शली रैप्ड. जो इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर है वो सिल्वर है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा. एंड इस गाड़ी के अंदर एक थोड़ा सा थीम बनाया गया है, डार्क ब्लू लाइक क्रोमिश ब्लू आई शुड से, और ब्लैक के साथ. इस रैप के ऊपर एक पर्टिकुलर आई शुड से एक थीम है. एंड ये थीम एक जापान की कोई एक हाईवे से है, इफ़ यू कैन जस्ट रिलेट. एक ओसाका करके देर इज अ प्लेस इन जापान, एंड द ओनर टोल्ड मी दैट इट हैज़ अ वेरी लाइक अ ट्रिब्यूट दैट ही इज पुटिंग आउट फॉर दैट पर्टिकुलर कल्ट. एंड उसका नाम आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा. द नेम ऑफ द ग्रुप इज नो गुड रेसिंग. सो वेरी अगेन अ वेरी आयरॉनिकली बहुत अजीब ग्रुप का नाम है, बट डेफिनेटली नो गुड रेसिंग एंड दैट इज हाउ दिस ग्रुप इज नेम्ड. एंड डेफिनेटली ये रेसिंग बेकार तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बिकॉज अगेन इट्स अ प्योर JDM थिंग.
बट अब मैं इसकी गाड़ी की बात करूँ साइड प्रोफाइल की तरफ, मैंने साइड प्रोफाइल में दो चीज़ें तो सारी चीज़ें कवर करनी, जिसमें मैंने इसका पार्शियल रैप कवर कर लिया, इसके व्हील्स कवर कर लिए और इसकी जो ब्रांडिंग है जहाँ से इंस्पायर्ड है वो चीज़ मैंने कवर कर ली थी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को गाइस, कि जो इसके जो मिरर्स हैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर का एक थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना गार्ड देखने को मिल जाएगा, रेन गार्ड इसे कहते हैं फॉर साइड मिरर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग टू शायद नाम की वजह से, और जो यहाँ पे जापानीज में लिखा हुआ है वो इस गाड़ी का नाम है, मैं मेंशन कर दूंगा, इस गाड़ी का नाम है द ब्लू जिन समुराई एंड द जिन समुराई एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग या फिर मैंने कुछ वर्ड्स इधर उधर कर दिए होंगे, सो सॉरी फॉर दैट। मैं इस गाड़ी का इंस्टाग्राम हैंडल जरूर इस वीडियो में अभी आपको स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, सो दैट इज द पर्टिकुलर नेम और यही लिखा हुआ है जापानीज में, और बाकी बहुत जो बहुत नॉर्मल मॉड्स हैं वो रहने वाले हैं इसके रेन वाइजर्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं किसी भी नॉर्मल होंडा जैज में। बट अगेन अब मैं आता हूँ इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ, विच इज दी मोस्ट मीनेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। इस गाड़ी के अंदर अगेन बॉडी किट तो चल ही रही है, बिकॉज अगेन म्यूगन बॉडी किट इज समथिंग विच इज रियली एनहांसिंग द लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। अब रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर में भी आपको जैसे फ्रंट में कस्टम बम्पर देखने को मिला था, रियर में भी आपको वैसे ही कस्टम बम्पर देखने को मिल जाएगा, एंड अगेन दिस इज रिफ्लेक्टर्स एंड यू कैन फाइंड दीज आफ्टरमार्केट, दीज आर आफ्टरमार्केट रिफ्लेक्टर्स, ये कंपनी से ऐसे नहीं आते। इस गाड़ी के अंदर मोस्टली जितना भी सामान लगा है एक्सटीरियर में वो सारा आफ्टरमार्केट है, बिकॉज अगेन दिस इज अ फुल्ली लोडेड जैज़ एंड मैंने खुद आई एम रिपीटिंग दिस अगेन गाइज बिकॉज मैंने खुद पर्सनली ऐसी जैज़ अभी तक नहीं देखी। अब मैं अगर टेल लैम्प्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर जितने भी आप लाइटिंग सेटअप देखोगे मैं आपको एक बार जला के वीडियो जरूर दिखा दूंगा, दैट दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कार लुक्स लाइक इन द नाइट व्हेन जब इसके टेल लैम्प्स ऑन होते हैं। और इस गाड़ी के अंदर अगर आप थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको एक थोड़ा सा डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा रूफ पे, ये पार्शियली रैप सिर्फ यहाँ तक नहीं है जस्ट फॉर यू गाइस टू नो, ये प्रॉपर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक कंटिन्यू किया गया है और इसको शार्क फिन एंटीना के अंदर एक मिड पॉइंट दिया गया है ताकि वैसे ताकि ऊपर से गाड़ी ऑड ना लगे दिखने में, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल ऑफ द ओनर कि उन्होंने इतना लाइक नॉट मेनी पीपल डू दिस एंड दिस पर्टिकुलर मॉड लाइक आई हैव सीन इन मेनी कार्स कि लोग पार्शियली सिर्फ आधा ही रैप करते हैं सिर्फ ऊपर के यहाँ तक लाइनिंग तक रूफ लाइनिंग तक, बट दे डोंट स्ट्रेच इट आउट टू द मिड पॉइंट ऑफ द रूफ, विच अगेन इट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ द ओनर एज आई सेड। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको रेड होंडा लोगो देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन अ वेरी प्योर JDM थिंग। बट हाँ, रियर की तरफ मैं आ तो गया बट रियर की तरफ मैंने एग्जॉस्ट की बात नहीं करी, परफॉर्मेंस मॉड्स आर येट टू कम फॉर मी। नीचे की अगर मैं बात करूं तो आपको तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये F1 स्टाइल ब्रेक लाइट देखने को मिल जाएगी, सो इट ब्लिंक्स व्हेनेवर द ड्राइवर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार ब्रेक्स। एंड रही बात इसके एग्जॉस्ट स्ट्रिप्स की, इस गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ है गाइस, एंड अगेन अगर मैं एग्जॉस्ट तक आ गया हूँ तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये गाड़ी पेट्रोल नहीं है, सो दिस डू नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी लाउड लाइक साउंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट और दिस पर्टिकुलर इंजन, बिकॉज डीजल कार्स की लाइक दे डोंट रोर एंड दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ नॉइस टू देयर टू देमसेल्व्स। अब रही बात इसके डीजल इंजन होने की, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट मोटर है वो आपको एंड में जरूर सुनाऊं, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर मैं इस गाड़ी की एग्जॉस्ट की टिप्स की बात करूं तो आपको इसके अंदर एक्रोपोविक की टिप्स देखने को मिल जाएंगी, अगेन दीज आर वेरी हॉट बट अगेन दीज आर इन कार्बन फाइबर फिनिश जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। दिस कार इज अ बिट डर्टी सो अवॉइड दैट, बट अगेन जब ये गाड़ी अगर क्लीन हो जाएगी इसकी जो लुक आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। इंटीरियर तक मैं जा ही कैसे सकता हूँ बिकॉज अगेन इस गाड़ी के परफॉर्मेंस मॉड्स ही अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अब टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, ये गाड़ी Stage 1 ट्यून्ड है एंड ये गाड़ी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी डीजल है बट एट द सेम टाइम इट पुट्स आउट रियली गुड परफॉर्मेंस नंबर्स। इस गाड़ी के अंदर आफ्टर ट्यून जो ओनर है उसको कितना परफॉर्मेंस हाइक देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई विल डेफिनेटली मेंशन द एक्यूरेट और एक एस्टिमेट नंबर लाइक अगर उस इस गाड़ी के ओनर ने डायनो किया होगा अपनी कार को तो। एंड रही बात इसके बाकी परफॉर्मेंस मॉड की, तो अब एयर फिल्टर दिस इज़ वन ऑफ द परफॉर्मेंस मॉड दैट मेनी पीपल डू टू देयर कार्स। तो इस गाड़ी का एयर इनटेक है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर जो ओनर है वो यूज़ कर रहा था HPI का एयर इनटेक, बट somehow ही हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड इट टू द BMC DI कोल्ड एयर इनटेक 1 और एनी काइंड ऑफ अ कस्टम एयर इनटेक वेयर जहाँ जिसकी जो हाउसिंग होगी एयर सब करने की वो यहाँ से जाएगी, बट दिस इज़ येट टू बी डन एंड आई कीप यू गाइज पोस्टेड अबाउट दैट इन फ्यूचर वीडियोज। बात करता हूँ मैं गाइस अगर मैंने इंटीरियर की, अब मैं इसके इंटीरियर पे जाता हूँ बिकॉज इस गाड़ी का हर एक एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया।
इस गाड़ी की फ्रंट लुक मैंने कवर कर ली, इस गाड़ी की साइड लुक मैंने कवर कर ली, मैंने आपको व्हील्स बता दिए, दीज आर 16 इंचेस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर द सेक ऑफ इट। एंड रियर की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर कस्टम हेडलाइट चली हुई है, जो अगर आपको देखनी है चलती हुई तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के एंड में उसकी जरूर लुक डालूंगा, जिसमें एक आपको आइडिया लग जाए कि रात को इस गाड़ी की लुक कैसे आती है फ्रंट से और रियर से। अब एक छोटा सा ट्रांजिशन लेता हूँ और मैं चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर छोटी छोटी कस्टमाइजेशन जो इसके ओनर ने बहुत ही क्यूट कस्टमाइजेशन आई शुड से कर रखी हैं, एंड जस्ट लाइक दिस पांडा, द स्पाइडरमैन, एंड दिस इज परफ्यूम विच आई हैव पर्सनली सीन। लाइक मैं इस गाड़ी को पर्सनली खुद देख रहा हूँ और मेरे को इस गाड़ी के अंदर जो जो चीज़ दिख रही है दैट इज वेरी न्यू टू मी। इवन दिस गियर नॉब दैट आई एम थिंकिंग फॉर लाइक गेटिंग वन फॉर माई कार, एंड दिस हैज समथिंग लाइक नंबर्स रिटन इन जापानीज, सो दैट इज रियली समथिंग दैट विच इज लाइक गिविंग एन एनहांस्ड लुक टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार। अब मैं बात करता हूँ इसके स्टेयरिंग व्हील की, अगेन द रेड होंडा लोगोज आर द प्योर JDM थिंग। अब रही बात इसकी, देन इट इज आई थिंक इट इज हाइड्रो डिप्ड एंड दिस इज रैप्ड, इफ यू विल सी द पार्शल लाइक द डोर पैड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। अब रेड एक्सेंट्स भी दे रखे हैं मेरे फ्रेंड ने इसको, एंड जो रेड होंडा लोगो है उससे काफी हद तक मैच भी कर रहे हैं, सो दैट इज वन कॉन्ट्रास्ट दैट माई फ्रेंड हैज गिवन टू हिज कार, जो इस गाड़ी को बहुत ही अंदर से अमेजिंग लुक दे रहा है। एंड पर्सनली अगर मैं आपको रियर से दिखाऊं देन इट इज मोर ऑर लेस द स्टॉक। इस गाड़ी के अंदर ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है टैबलेट एंड्रॉयड सिस्टम लाइक मोस्ट पीपल कॉल इट, और इस गाड़ी के अंदर कोएक्सल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर द पीपल हु आर रियली क्यूरियस टू नो अबाउट द म्यूजिक सिस्टम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। और रही बात इसके लाइक जो ओनर है इस पर्टिकुलर गाड़ी का, वो उन्होंने तो मुझे यही बताया दैट ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ कस्टमाइजिंग द कार एक्सटीरियर वाइज, विच ही हैज़ डन लाइक रियली वेल पर्सनली, एंड आई एम पर्सनली लाइक अगर मैं आपको खुद का अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं, आई एम पर्सनली ब्लोन अवे बाय दिस कार, बिकॉज द मोमेंट दिस कार स्टॉप्ड आई रियली रिक्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर ओनर की प्लीज इफ आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस कार एंड दिस कार, बिकॉज दिस कार इज रियली अमेजिंग। तो गाइस जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको इस गाड़ी की सारी राइटिंग सेटअप जितना भी ऑन करके दिखाऊंगा, सो दैट इज वन थिंग दैट आई हैव डन। एंड ये जो आपको DRL देखने को मिल जाएगी, दीज आर RGB एंड यू कैन गेट अराउंड 16 मिलियन कलर्स एंड यू कैन चेंज इट। यस आपने सही सुना, 16 मिलियन कलर्स। सो आप तो लाइक अगर मैं पर्सनली हूँ और मेरे पास ये गाड़ी है, मैं तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाऊंगा कि मैं खुद कौन सा कलर करूँ। बट अगेन दीज आर कस्टमाइज टेल लाइट्स एंड ये ऐसी आती हैं, बट अगेन इसके अंदर फर्दर कस्टमाइजेशन करी गई है बाय द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। अगर मैं नीचे की बात करूँ दैट DRL is on, and रही बात इसके projectors की, so there's one button, I'll definitely ask the owner कि उनके पास अगेन कोई night shot हो तो वो मुझे जरूर भेजें। अब मैं okay, तो guys जो इसकी rear की look है वो definitely आ चुकी है, because I don't know if you can see but these lights are lightened up, and ये जितनी भी आपको नीचे की look देखने को मिल जाएगी, again this F1 light that I talked about is again lit up, same for the rear reflectors. अब रही बात इस गाड़ी के अंदर जितने भी मैंने मॉड्स थे वो सारे तो कवर कर ही लिए थे, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ रह गया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव मेड श्योर मैं इस गाड़ी के अंदर जितने भी मॉड लिस्ट इसकी कवर कर सकता था मैं उतनी करूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज मैं इस लाइक आई एम फिल्मिंग दिस पर्टिकुलर कार ऑन अ रोड एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी एम्प्टी स्पेस जहाँ पे मैं इस गाड़ी का वीडियो बना सकूँ। एंड सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर बीस्ट एंड ऑन मेनी बीस्ट लाइक दिस और लाइक दिस। दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्रेटा, जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बताऊँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।